अज असी जिला गुरदासपुर की इलैक्शन तैयारियों बारे इलैक्शन कमीशन के हदायतों अनुसार एक प्रैस ब्रीफिंग की है जिदे साडे मानयोग ऑबजरवर साहबान वो हाजिर सके साडे एस एस पी गुरदासपुर एस एस पी बटाला ते मैं और मैं दसना चाहवागा साडे कोल चार जनरल ऑबजरवर आए हैं दो एक्सपेंडिचर ऑबजरवर ने और दो पुलिस ऑबजरवर ने। इस बारी इलैक्शन कमीशन ने चोणां नूं निरपक्ष करवाउण लई ऑबजरवर भी ज़्यादा लगाए ने और अजे प्रैस ब्रीफिंग की गई सीगी। इहदा मेन मंतव सीगा असीं अपनी इलैक्शन की तैयारी बारे मीडिया के राही पब्लिक नूं जानकारी दे सकीए और अज हुण इहदे राही मैं दसना चाहवागा कि साडे पूरे इंतजाम मुकम्मल ने, असीं कोविड का ही पूरा ध्यान रखांगे और पुलिस वालों सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना हित साडी टीमों का गठन किया होया इलैक्ट्रॉनिक वे नाल कैमरिया के नाल गड्डिया के राही और मोनीटरिंग की जा रही है। इलैक्शन कमीशन द्वारा सी विजिल ऐप दी गई है उसके राही कोई भी नागरिक किसी थान से ऑनलाइन शिकायत कर सकता है, किसी फोन करने की भी लोड़ नहीं है, ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर तो अपनी शिकायत कर सकता है और 100 मिनटों का पहला उसका निपटारा किया जा रहा है और पूरी साडी तैयारी मुकम्मल है। कोविड का पूरा प्लान किया गया, वैक्सीन ड्राइव बहुत तेजी ने चल रहा है, अज 90% लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है गुरदासपुर के और 71% लोगों को सैकेंड डोज़ लग चुकी है और साड़ी कोशिश है कि इलैक्शन तो पहला असी ये 95% उपर जी फस्ट डोज़ कर दईए और सैकेंड डोज़ जी 75% लोगों को कर दईए या जिन्हें एलीजिबल है और इलैक्शन के वेले भी जो कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उन्होंने भी वोट पाने का हक होएगा। सिर्फ एक गल है उन्हें शाम को वक्रे तौर पर बुला के वोट पाई जाएगी। साढ़े पूरे प्रबंध ने और पूरी तरह जी जिला मशीनरी है वो तैयार है। उस टाइम से आएंगे पर आखिर बुलाया जाएगा उन्होंने और जो एक बार पोलिंग बूथ पहुंचे और जब तक वोट नहीं पाएंगे पोलिंग बंद नहीं होगी। आम नॉर्मल रूल यही है नहीं टेस्ट नहीं किया जो जो कोई सिर्फ स्कैन थर्मल स्कैनिंग की जाएगी उसे थर्मल स्कैनर होएगा टैंपरेचर रीडर होंगे ऑटोमैटिक उसने टैंपरेचर रीड किया जाएगा तो जेकर कोई टैंपरेचर ज्यादा होता फिर ही है जो ठीक है तो कोई रोकेगा नहीं। हाँ जो साडे संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ ने उन्होंने विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक तो इदा अजिहे हर बूथ के माइक्रो ऑबजरवर होंगे जिहड़े कि सीधे ऑबजरवर साहबान रिपोर्ट करेंगे और उसे सेंट्रल फोर्सिस का प्रबंध रहेगा और साड़ी जी पंजाब पुलिस वालों भी उसे विशेष प्रबंध किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की जा रही है। मेरी लोगों ने एक अपील है जी कि एथिकल वोटिंग करो वत वत वोट करो अपना मत दो जेकर तुम्हें कोई कैंडिडेट नहीं पसंद आता तद भी मत देन जाओ नोटा का प्रयोग करो पर मतदान जरूर करो। बिल्कुल पब्लिक डोमेन रहेगी कोई पत्रकार साहबान पब्लिक के लोग वैबसाइट पर जाके किसी भी पोलिंग बूथ की वैबकास्टिंग लाइव देख सकते हैं।